पेट्रोल की कीमत में कमी हो इजाफा कोई फर्क नहीं पैंदा? फर्क क्यों नहीं पैंदा मैडम जी, चंगा भला फर्क पैंदा है। गल इस तरह हैगी है कि साडा मुल्क दा जिहड़ा सिस्टम है ना, यह बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुके है। इस तरह खराब हो चुके है कि गरीब आदमी जिहड़ा ना, वह समझ लो कि साह नहीं लै सकता। कितने 650 का आटे का तोड़ा सी, उदों मियाँ नवाज शरीफ का दौर सी। मैनू याद है सन 2003 च मेरी शादी हुई सी, मैं अपने घर पर अपनी वाइफ को ना 20 रुपए देकर जाता था और घर का खाना पक जाता था, खाना बन जाता था। अच्छा, और अब ये वो दौर है कि मैं 3000 रुपया रोज घर पे देकर आ रहा हूँ और वो मुझे पता है मैंने कहाँ से कमाना है। मेरा लोडिंग का काम है, लोडिंग चिंची रिक्शा चलाता हूँ मैं। ये नहीं है कि मैं कहीं चोरी कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, सांस जो है ना यहाँ तक बंद हुई हुई है। अगर दुकानों से आपको चीजें मिल गई, आपने अपने रिक्शे में रख ली, काम मिल गया तो ठीक है, वरना नहीं। वरना नहीं, वरना खाली बैठ के घर जाते हैं। मसलसल मुझे अभी 2 महीने हो गए हैं कि मैं यहाँ पे मार्केट में आ रहा हूँ और बैठ के जा रहा हूँ। ठीक है, खाली आ जा रहे हैं तो घर क्या लेके जा रहे हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ तरले तिहाड़े। बेगम कुछ नहीं कहती, बेगम लड़ती नहीं? बेगम तो लड़ती है, और केड़ी बेगम नहीं जी घर बंदे नाल जांदे नहीं लड़ती, क्योंकि घर के अखराजात जड़े ने ना वो मजबूर कर देंगे ने मियाँ बीवी को लड़न से। तो यह अखराजात कि किए ने साडे मुल्क का जो सिस्टम है ना। तो कहते मियाँ बीवी में मुहब्बत ना ना हो तो फिर ही लड़ाई होती है, लेकिन महंगाई ने बताया कि महंगाई से भी लड़ाई होती है। मैं कहना कि मियाँ बीवी की मुहब्बत होंगी है, बहरहाल यह जड़ा मुल्क है ना, यह समझ लो कि भरा नाल भरा नूं लड़ा रहा है। इस टाइम इस तरह का इन्होंने सिस्टम बनाया है, यह पेट्रोल है जो असी 29 रुपये 30 रुपये लीटर पवाने सियाँ, नवाज शरीफ के दौर के 63 रुपये लीटर पवाया, 64, 63, 65 ए तो उत्ते नहीं गया। भाई भी तो आए थे भाई साहब, उनका नहीं पता आपको? मैं गल कर रहा कारकुन के बारे च, मैं ना मियाँ नवाज शरीफ का कारकुन के बारे च ना की गल करना, मैं गल करना वा तो मुस्लिम अपने मुसलमान होने के नाते कि साडे यह जो मुल्क है ना, बहुत ही इन्होंने उत्थे जा सुटिया कि जिथे असी नहीं रहना पसंद करते, बाहर दियां कंट्रियां नूं साला साडा मुल्क वेच के ना साडे विचों कढ रहे ने। हुण आ देखो ना, 32 दे यूनिट ते आ जाओ, कित्थे जा के इन्होंने 32 दा यूनिट सुटिया। यह सिस्टम इन्हां नूं अपने बारे क्योंकि यह तो एसी च बैठे ने, इन्हां नूं किसी किस्म की परेशानी नहीं है। एसी चोर की परेशानी क्यों होगी जब आवाम को परेशानी दी हुई है? आवाम का खून चूस रहे हैं, ये आवाम का खून इस तरह चूस रहे हैं। पहले कभी कहते हैं जी डेंगू मच्छर आ गया, सबसे बड़े तो डेंगू मच्छर ये खुद आप हैं। अच्छा, जो आवाम का खून चूस रहे हैं, इन्हें सोचना चाहिए, इस बारे में ख्याल करना चाहिए कि यार देखे घर का एक छोटा सा आंगन होता है, उसमें 4 बच्चे होते हैं, उससे अपना बाप कितना प्यार करता है। हम भी इनके बच्चे हैं जो हमारे सर पर आकर ये बैठ जाते हैं, हमारे सर पे बैठ के हम लोगों का इन्होंने नहीं ख्याल करना तो किसी ने बाहर से आके करना, अल्लाह तो पहले हमारे साथ है। देखा जो जलसे हो रहे हैं, आवाम जा रही है बिरयानी खा रही है, उठे बिरयानी खा के ढिड भर के घर आई ने, बच्चे भुखे मारने ने। यह तो इस तरह का सिस्टम होया, अजकल बिरयानी भी वह खान जा रहे हैं जिन्हों उन्होंने नाल कोई जाके रुपया 2000 उन्हों की जेब च पाता, आज उत्थे तरह कट करो तो 2000 रुपया मिलेगा तो बिरयानी खाओ। वो बंदे जा रहे हैं, साडे वर्गा बंदा टाइम कट के बिरयानी की वो बिरयानी की शक्ल नहीं देखन जाता, उन्होंने पता है शाम को बच्चों को जाके खुवाना है। सही गुस्सा जो है ना आपने निकाला और हुक्मरान को बताया है, हुक्मरान के मुंह पे ये आपने तमाचा मारा है। बहुत शुक्रिया आपका।